जन्माष्टमी से पहले ही इंदौर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी क्रम में यादव समाज ने जन्माष्टमी के मुख्य कार्यक्रम के लिए अनूठे ढंग से न्योता देने की शुरुआत की। देखिए खास रिपोर्ट। श्री कृष्णा की ही तरह हाथों में बांसुरी और सिर पर मुकुट पहने ये हैं नन्हे कृष्णा, जो सोमवार को इंदौर की सड़कों पर जन्माष्टमी के मुख्य कार्यक्रम के निमंत्रण देने निकले। न्योता देने की शुरुआत मालवा मील स्थित मंदिर से की गई, जहां यादव समाज के लोगों ने विधि विधान से निमंत्रण बांटने का दौर शुरू किया। इस मौके पर कृष्णा बने बालक के हाथों से लोगों को निमंत्रण दिए गए। दरअसल इस साल जय श्री कृष्णा की गूंज के साथ यादव समाज अपनी शक्ति दिखाएगा, लिहाजा अभी से निमंत्रण बांटने का काम शुरू कर दिया गया है। इस दौरान सबसे ज्यादा हम घर घर डोर टू डोर यादव समाज के वहाँ तो जाएंगे, अन्यथा मित्र इष्ट जितने भी लोग हैं सबके वहाँ जाते हैं और सबको बुलाते हैं कि सब, और उनको सबको लाने ले आने की व्यवस्था भी हम सब लोग देखते हैं। और इसमें खूब आकर्षण केंद्र झांकियाँ होती है। इस बार पैसे पिछली बार हमारे भाई अंकित ने भस्मा रमैया और महिला अखाड़ा ये करा था, इस बार और नया नया चल रहा है। नरेज भैया का इस बार सुझाव है कि गुजरात का एक बैंड है वक्त उनमें, उसको लाया जाए। उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको लाया जाएगा और सब अखाड़े रहते हैं, पूरे टीम मिलके सब काम कर रहे हैं। आज से हमने इसकी पहल करके भागरतपुर राधाकृष्ण मंदिर से कार्ड रख के आज से इसको निमंत्रण देना शुरू करा। इसे पूरे इंदौर में इसके कार्ड जाएंगे, घर घर जाएंगे और सबको बुलाने का मतलब प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और कृष्ण भगवान के दर्शन करें और उनका जन्मदिन खूब उल्लास से बनाएं। कुल मिलाकर जन्माष्टमी के आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए आयोजन नित नए प्रयोग भी कर रहे हैं, ताकि जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ के पारंपरिक आयोजनों से लोगों को जोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।